नमस्कार दोस्तों, तो वीवो T1 5G स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च करने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे और जानेंगे फुल स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग के बारे में। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे इंटरव्यू तभी आपको यह समझ में आने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों वीवो अपना T1 5G स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च करने वाला है और इसका लॉन्च डेट भी कंफर्म हो चुका है और स्पेसिफिकेशन भी कंफर्म हो चुका है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे और जानेंगे फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था कि वीवो का जो T1 सीरीज या फिर T सीरीज है, इसके अंदर आपको जो है किस तरीके का स्मार्टफोन देने को मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो T सीरीज है, इसके अंदर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन देने को मिलेगा, जहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशन काफी अच्छा होगा और प्राइसिंग काफी कम होने वाला है। जैसे कि अगर हम बात करें तो इंडिया में अभी जो है रेडमी या फिर MI हो गया या फिर रियलमी वगैरह जिस तरीके का फोन लॉन्च करती है, उस तरीके का फोन देने को मिलेगा वीवो की तरफ से भी T सीरीज के अंतर्गत। पहले यही सीरीज था U सीरीज के नाम से, लेकिन अब जो है वीवो ने इंट्रोड्यूस किया है T सीरीज के नाम से, जिसके अंदर आपको जो है स्पेसिफिकेशन काफी तगड़ा होगा और प्राइसिंग काफी कम होने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे। बिकॉज यहाँ पर जो वीवो T1 5G स्मार्टफोन है, यह इंडिया में लॉन्च होना कन्फर्म हो चुका है और इसका लॉन्च डेट भी आ चुका है। तो चले सबसे पहले हम जानते हैं कि वीवो T1 5G स्मार्टफोन है, इसके अंदर आपको किस तरीके का स्पेसिफिकेशन देने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पर जो वीवो T1 5G स्मार्टफोन है, इससे पहले चाइना में लॉन्च हो चुका है और अब इंडिया में लॉन्च होने वाला है और फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर ये चीज को मेंशन भी कर दिया गया है। और मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ यहाँ पर फर्स्ट लुक भी दिखाने वाला हूँ कि वीवो T1 5G स्मार्टफोन किस तरीके का होने वाला है। तो आप यहाँ पर कुछ इमेज देख पा रहे जो कि है वीवो T1 5G स्मार्टफोन का। फ्रंट साइड में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पंच होल, पीछे का लुक कुछ इस तरीके से है, जहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर डिफरेंट कलर में ये अवेलेबल होने वाला है। उसको चले हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पर जो वीवो T1 5G स्मार्टफोन है जो इंडिया में लॉन्च होगा, उसका स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 6.67 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले। इस डिस्प्ले में आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देने को मिलेगा, प्लस में अच्छा खासा टच सैंपलियर भी होने वाला है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला LCD डिस्प्ले, इसलिए इस फोन में देखने को मिलेगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट। उसके यहाँ पर जो वीवो T1 5G स्मार्टफोन है, इसके अंदर देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 778G नहीं तो स्नैपड्रैगन का 695 देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर। बिकॉज ये जो ग्लोबल या फिर चाइना में लॉन्च हुआ था, तो वहाँ पर देखने को मिला था स्नैपड्रैगन का 778G। उसके बाद हम बात करें कैमरा सेटअप का, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 64MP का AI ट्रिपल कैमरा, जिसमें मेन कैमरा 64MP का होने वाला है, फिर 8MP का अल्ट्रा वाइड है, फिर 2MP का माइक्रो कैमरा है और 16MP का सेल्फी कैमरा होने वाला है। LPDDR5 का रैम देखने को मिलेगा, UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप होने वाला है, 8128 और 12/256GB का बैटरी देने को मिलेगा, 5000mAh का बैटरी होने वाला है और 44W का चार्जर बॉक्स में देने को मिलेगा। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 पर देने को मिलेगा और इसका जो थिकनेस है वह 8.49mm का होने वाला है और वेट 192g का होने वाला है। तो फोन कुछ इस तरीके से है। बेसिकली अगर हम बात करें तो इंडिया में जो IQ G5 है, उस तरीके के स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च होने वाला है वीवो का T1 स्मार्टफोन। और यह स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर लॉन्च होने वाला है 9 फरवरी को। तो 9 फरवरी को ये फोन देने को मिलेगा वीवो T1 के नाम से। इसके अंदर आपको जो है स्पेसिफिकेशन काफी अच्छा होने वाला है और प्राइसिंग काफी कम होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि रियलमी या फिर रेडमी वगैरह फोन लॉन्च करती है, काफी अच्छा स्पेसिफिकेशन होता है और प्राइसिंग काफी कम रखा जाता है, उस तरीके से वीवो अपना T1 सीरीज को लाने वाला है, जिसमें आपको स्पेसिफिकेशन काफी धांसू होगा और प्राइसिंग काफी कम रखा जाएगा। और ये जो वीवो का T1 सीरीज है या फिर T सीरीज है, ये आपको सिर्फ ऑनलाइन ही देखने को मिलेगा, ऑफलाइन में बहुत कम ही देखने को मिलेगा। और आप यहाँ पर कुछ लुक देख पा रहे जो कि है वीवो T1 5G स्मार्टफोन का। लुक वाइज ये फोन ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप यहाँ पर देख पा रहे। वैसे ये फोन फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर लॉन्च होने वाला है 9 फरवरी को। अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो ऐसा पता चला कि वीवो T1 5G स्मार्टफोन है, इसका प्राइसिंग होने वाला है अंडर 20K। तो अंडर 20K में इस तरीके का स्पेसिफिकेशन काफी अच्छा हो सकता है। बिकॉज यहाँ पर सबसे पहले तो 5G फोन है, प्लस में स्पेसिफिकेशन काफी अच्छा है, मल्टीपल 5G पर देने को मिलेगा और प्राइसिंग होने वाला है अंडर 20K। तो इस प्राइसिंग में ये फोन ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो बस आज के इस वीडियो में ही बताना था, उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।